अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, आज का हमारा जो चैप्टर है दैट इज़ डायनेमिक्स, और उसमें हम डायनेमिक्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे, तारीफ पढ़ेंगे, और उसके अलावा फोर्स, इनर्शिया और मोमेंटम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले जानते हैं बेटे डायनेमिक्स क्या है, जो इस चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 3। डायनेमिक्स क्या चीज़ है? डायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन, जिस्मों की मोशन की स्टडी है। और इसके अलावा क्या चीज़ है? डायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड इट्स कॉजेज। डायनेमिक्स में हम मोशन स्टडी करते हैं और साथ साथ ये भी जानते हैं कि वो मोशन किस वजह से हुई, मोशन करवाने वाली फोर्स कितनी थी। इसका मतलब अगर मोशन होते देखें और साथ में ये भी देखना हो, ये भी जानना हो, ये भी पहचानना हो कि उस मोशन करवाने में फोर्स कितनी लग रही है, फोर्स के मुतालिक भी साथ में जानना, उसके कॉजेज भी जानना, वो क्या कहलाता है? दैट इज डायनेमिक्स। डायनेमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, क्या साथ में? विद डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन। कॉज ऑफ मोशन भी साथ डिस्कस किए जाते हैं, जबकि इसके अलावा काइनामेटिक्स भी थी। काइनामेटिक्स चैप्टर नंबर 2 का नाम था, उसमें क्या था? स्टडी ऑफ मोशन ही थी, लेकिन वहां पे कॉजेज स्टडी नहीं करते थे, कॉजेज स्टडी नहीं करते थे। डायनामिक्स और काइनामेटिक्स दोनों एक ब्रांच, फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसका नाम है मैकेनिक्स, उसके शोबे हैं। मैकेनिक्स के दो शोबे हैं, कौन कौन सा? काइनामेटिक्स जो चैप्टर नंबर 2 था और डायनामिक्स जो चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं हम अपने जो मेन टॉपिक्स हैं, जो मेन हमारे की पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसको? फोर्स। क्या चीज़ है जी फोर्स? हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत से फिनामिना, बहुत से अवामिल देखते हैं इर्द गिर्द। मसलन एक ठेले वाला, एक रेड़ी वाला रेड़ी को धकेलता हुआ नज़र आता है हमें, जा रहा होता, लेकिन लड्डू पीठियाँ हो या कोई भी चाट वाला या गोलगप्पे वाला क्या कर रहा होता? अपनी रेड़ी को धकेल रहा होता, क्या देने के लिए? क्या उसे क्या करवा रहा होता? उसे मोशन करवा रहा होता, तो वो क्या उसे अप्लाई कर रहा है? फोर्स अप्लाई कर रहा है। इसी तरह उसे उस रेड़ी को रोकना हो तब भी वो क्या अप्लाई करेगा? फोर्स अप्लाई। इसी तरह से एक बैट्समैन, शाहिद अफरीदी हो या कोई भी बैट्समैन, जब बैट से बॉल को क्या करता है? हिट करता है, तो हिट होने पे क्या होता है नतीजा? बॉलर ने तो गेंद उसकी तरफ फेंका था, बैट से जब गेंद टकराई तो गेंद की क्या बदल गई? डायरेक्शन बदल गई। क्या लगाई थी बैट से उसने? फोर्स। और उस फोर्स के नतीजे में गेंद की हिम्मत ही बदल दी। सो फोर्स मोशन भी करवाती है, मोशन करती हुई जिस्मों को रोकती भी है और उनकी हिम्मत भी बदल सकती है। इसके अलावा और मिसाल देनी हो, एक आदमी है जो दीवार को क्या कर रहा है? दीवार को धकेल रहा है। फर्ज कीजिए एक वॉल है और इसको एक आदमी क्या कर रहा है जी? धकेलने की कोशिश कर रहा है। इस पर क्या अप्लाई कर रहा है? फोर्स अप्लाई कर रहा है, लेकिन उससे क्या ये दीवार फोर्स लगाने पे क्या ये दीवार मूव करेगी? बहुत ज़्यादा फोर्स एग्जर्ट करेगा, लेकिन फिर भी वो दीवार अपनी जगह से हटेगी नहीं, अपनी जगह तब्दील नहीं करेगी। क्या आप देखने वाला कह सकता है कि वो फोर्स नहीं लगा रहा? क्या देखने वाला कह सकता है कि वो फोर्स नहीं लगा रहा? क्या जी? फोर्स लगा रहा है, लेकिन वो फोर्स के नतीजे में क्या वो दीवार अपनी जगह चेंज कर रही है? नहीं कर रही, जगह चेंज नहीं कर रही। जी, देखने वाले हम या आप कह सकते हैं कि वो आदमी फोर्स नहीं लगा रहा? लगा रहा है, लेकिन उसके फोर्स के नतीजे में बॉडी अपनी जगह तब्दील नहीं कर रही, उस दीवार ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की। इसका मतलब जरूरी नहीं कि फोर्स जिस्मों में मोशन पैदा करे, जरूरी नहीं कि फोर्स जिस्मों को अपनी जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करे, जरूरी नहीं कि चीज फोर्स जिस्मों को रोक पाए। तो फिर फोर्स क्या है? इसके अलावा एक और मिसाल देखते हैं, गोलकीपर की। जब उसकी तरफ प्लेयर गेंद हिट करता है, रोकता है? रोकने पे क्या वो उसका जिस्म, उसके बाजू, उसके हाथ क्या लगाते हैं बॉल पे? फोर्स। अगर उसके पास वो फोर्स ना हो तो क्या वो गेंद को रोक पाएगा?
उस फुटबॉल को रोक पाएगा? नहीं। उसने क्या कर दिया, उस फोर्स लगा के उसकी मोशन को रोक दिया। बड़ी तेजी से मोशन करता, गेंद आ रहा था, फोर्स लगाई और क्या कर दिया, उसे स्टॉप कर दिया, रोक दिया। सो बेटे इससे क्या क्या डेफिनेशन बनती है इन सारी चीजों से? चार एग्जांपल्स हमने डिस्कस की, एक रेडी बान है, रेडी खींच रहा है उस मिसाल से, फिर एक स्पोर्ट्समैन है वो गेंद को हिट करता है उसकी मिसाल से, फिर एक आदमी है जो दीवार को क्या कर रहा है, घिराने की कोशिश कर रहा है उसकी मिसाल से, और चौथी मिसाल कौन सी जी हमने दी, एक गोलकीपर की। इन चारों मिसालों से अगर हम डेफिनेशन बनाएं फोर्स की तो क्या बनेगी? अ फोर्स पुशेस आ, क्या करती है अ फोर्स पुश, फोर्स क्या कर सकती है, फोर्स क्या कर सकती है, पुश कर सकती है या पुश करने की कोशिश कर सकती है। अ फोर्स पुशेस, या यहां आप लिख लें मूव्स और टेंड्स टू मूव, जिस्मों को क्या करती है, मूव करवाने की कोशिश करती, यहां ये कोशिश कर रहा है। जबकि प्लेयर ने क्या किया था, रेडी वाले ने क्या किया था, फोर्स लगा के मोशन पैदा कर दी थी, ये पैदा करने की, मोशन पैदा करने की कोशिश कर रहा है, यहां भी फोर्स है। और इसके अलावा स्टॉप्स आर टेंस टू स्टॉप, फोर्स क्या कर सकती है, चीजों को, चीजों में मोशन पैदा कर सकती है या पैदा करने की कोशिश करती है, रोकती है या रोकने की कोशिश करती है। क्या यही दो काम है फोर्स के? नहीं, इसके अलावा भी है। इट कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये साथ साथ क्या चेंज कर सकती है, मोशन की सिम्मत भी बदल सकती है। जैसे कि बैट्समैन ने क्या किया था, गेंद को हिट किया तो फोर्स लगा के उसने सिम्मत ही बदल दी, उसने डायरेक्शन ही बदल दी। तो फोर्स ये तीन काम क्या कर सकती है, मूव्स आर टेंड्स टू मूव, स्टॉप्स आर टेंड्स टू स्टॉप, और इसके अलावा इट कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये भी चीजों की सिम्मत भी बदल सकती है। गाड़ी में बैठे हैं, स्टेयरिंग को घुमाएं तो गाड़ी की क्या बदल जाएगी, सिम्मत। अपने जिस्म पे फोर्स लगाएं तो अचानक से अपनी क्या बदल ले, सिम्मत। बॉल पे क्या फोर्स लगाएं, सिम्मत। फुटबॉलर अपने पाँव से क्या लगाए उस पर फोर्स, तो क्या बदल दे, सिम्मत। तो डायरेक्शन भी चेंज। इसके अलावा भी फोर्स के काम है, क्या कर सकती है, एक एप्पल को, सेब को, बैलून को, अगर अपने बैलून को मिसाल दे लेते हैं, बैलून को प्रेस किया जाए क्या उसकी शेप चेंज नहीं होती, दोबारा से उसे छोड़ें तो क्या करेगा बैलून, पहली हालत में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसका मतलब इसी तरह सेब लीजिए, उसको नाइफ से क्या करें, कट करें, क्या वो पहली हालत में रहेगा, नाइफ से हमने क्या एग्जर्ट किया उसके ऊपर, फोर्स, और उस फोर्स के नतीजे में क्या हुआ, एप्पल की शेप चेंज होगी। इसका मतलब फोर्स मोशन करती है या करने की कोशिश करती है, रोकती है या रोकने की कोशिश करती है, ये सिम्मत भी बदल सकती है। और इसके साथ साथ एक और प्लस पॉइंट इसका क्या है, इट कैन आल्सो चेंज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये चीजों का साइज और शेप भी बदल सकती है। सेब की शेप बदल दी कि नहीं बदल दी, साइज बदला कि नहीं बदला, बैलून का, बैलून की शक्ल बदल दी कि नहीं, ये सारे काम किसके हैं, ये सारे काम किसकी बदौलत है, फोर्स की वजह से। ये था डिटेल टॉपिक, डिटेल डिस्कशन किस पे, फोर्स पे। अब हम किसकी बात करेंगे, इनर्शिया की। इनर्शिया क्या चीज है जी, इनर्शिया गैलीलियो ने सबसे पहले, गैलीलियो साइंसदान आज से तकरीबन 400 साल पहले साइंसदान है, उसने सबसे पहले ऑब्जर्व किया कि जो जिस्म बेटे हल्के होते हैं, जिनके पास मैस थोड़ा होता है, उन्हें हरकत देना और रोकना क्या होता है, आसान। ये मार्कर है, इसे मैं हरकत भी आसानी से देख सकता हूं और आप मेरी तरफ इसे फेंके तो इसे रोक भी आसानी से सकता हूं। लेकिन बैग, बैग को मोशन देनी हो मुश्किल है, और आपकी तरफ आ रहा हो उसे रोकना भी क्या है, वजह उसका मैस क्या है, ज्यादा। ये गैलीलियो ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया। फिर न्यूटन, न्यूटन ने इस पर और वर्कआउट किया, न्यूटन ने इसके मुतालिक समझ लिए कि लॉ दिया जो आगे चल के हमने पढ़ना है, फर्स्ट लॉ न्यूटन का वो इसी के मुतालिक था। तो कहने का मतलब ये है कि इनर्शिया क्या चीज़ है, न्यूटन ने इसे तफसीली डिस्कस किया। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन, जितना किसी जिसम का मैस ज़्यादा होता है उतना उसके पास इनर्शिया क्या होता है, ज़्यादा। अब इनर्शिया की तो बात अभी मैंने की नहीं, इनर्शिया क्या है बेटे, ऐसे समझ लीजिए जैसे आपके अंदर रूह है, जैसे आपके अंदर आपकी नेचर है। आप सुबह सोए हो, आपको कोई उठाने आए, क्या उठने को दिल करेगा, वो जो चीज
आपको क्या चाहती है कि मुझे कोई ना उठाए, स्पोर्ट्स टाइम बच्चे खेल रहे हो, क्या उनका दिल चाहेगा कि स्पोर्ट्स टाइम में विसल और बुलाए कोई उन्हें? नहीं ना। क्या चाहेगा दिल? खेलते रहें, घंटों घंटों खेलते रहें। ये जो ज़मीर है, ये जो ख्वाहिश है, ये जो आपके अंदर एक प्रॉपर्टी है, जो क्या चाहती, अपनी ही मनाना चाहती है, अपनी ही बात पे क्या चाहती है कि मेरी बात ही मानी जाए। क्या बात? अगर मैं रेस्ट में हूँ तो और अगर मैं मोशन कर रहा हूँ, मोशन भी कौन सी? यूनिफॉर्म मोशन, तो कोई मुझे रोके ना। अगर मैं रेस्ट कर रही हूँ तो कोई मुझे मूव ना करवाए, और अगर मैं मोशन कर रही हूँ तो कोई मुझे रोके ना। ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इनर्शिया। हर जिस्म के पास है, सुई से लेके पहाड़ तक हर जिस्म के पास एक फितरत है, एक प्रॉपर्टी है, एक नेचर है, जो उसे क्या चाहती है कि अगर वो सुकून की हालत में है, अगर वो रेस्ट में है, तो उसकी प्रॉपर्टी से चाहेगी कोई इसे डिस्टर्ब करने ना आए। और अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन करते देखें, गाड़ी एक ही रफ्तार से चलती जा रही हो, वो कभी नहीं चाहेगी कि मैं रुकूं। हम यूनिफॉर्म रफ्तार से चल रहे हो, कभी नहीं चाहेंगे रुकें। कौन रुकेगा? कौन रुकेगा? बाहर से कोई फोर्स, वरना इनर्शिया क्या चाहेगा? इनर्शिया क्या चाहेगा? कोई भी मुझे रेजिस्ट ना करे। तो इनर्शिया क्या है? इनर्शिया फॉर बॉडी इज इट्स प्रॉपर्टी, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो रेजिस्ट करती है। किसके खिलाफ रेजिस्ट करती है? मुजाहमत करती है। किसके खिलाफ? एनी चेंज, किसी भी तब्दीली। कौन सी तब्दीली? इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। एक ऐसी फितरत, एक ऐसी नेचर, एक ऐसी क्वांटिटी जो आपसे क्या चाहे कि अगर रेस्ट कर रहे हो तो आपको कोई डिस्टर्ब ना करने आए, और अगर आप खेल रहे हैं तो कोई आपको उस खेल से मना ना करे। है कि नहीं हमारी नेचर में? घर वाले मना करें तो हमारी नेचर, हम चाहते हैं कि हमें कोई ना तंग ना करे। गेम खेल रहे हैं तो हम चाहेंगे कि घंटों घंटों सेलफोन यूज करते रहे। वो जो नेचर है, बेजान चीजों के पास भी है, जानदार चीजों की, ये कब महसूस होती है? ये नेचर कब महसूस होती है? कभी गौर किया? जब बैग को उठाने लगते हैं, जब हम बैग को उठाने लगे, बैग आसानी से उठ जाता बेटे। जब तक आप उसके इनर्शिया के बराबर उस पर फोर्स नहीं लगाएंगे बैग अपनी जगह से, यह आदमी जो फोर्स लगाता आपने देखा था, उसकी फोर्स पे दीवार क्यों नहीं हिल रही थी? क्योंकि दीवार के पास क्या था? इनर्शिया। और उसकी फोर्स से क्या था? आदमी की फोर्स से वो इनर्शिया क्या था? ज्यादा था। वजनी चीज क्यों नहीं उठती हमसे? क्योंकि उस वजनी चीज के पास क्या ज्यादा होता है? इनर्शिया। इसका मतलब सिंपल लफ्जों में, जितना किसी जिस्म का मैस ज्यादा करते जाओ, उतना क्या चीज ज्यादा होती जाती है? इनर्शिया ज्यादा होती। मैस की मिसाल मैं ऐसे देता हूं, जिसके पास पैसा है, क्या ख्याल है? जिसके पास पैसा हो, जिसके पास असर सूख ज्यादा हो, क्या वो अपनी नहीं बनाता? अपनी बनाता कि नहीं बनाता? हमारी सोसाइटी में है कि नहीं ऐसा? तो बेटे, कहने का मतलब है, जितना किसी जिस्म का मैस ज्यादा, उतना उसका इनर्शिया ज्यादा। इसका मतलब मैस ज्यादा करते जाएंगे तो इनर्शिया ज्यादा होता जाएगा, उसी की बात मानी जाएगी, वो अपनी स्टेट चेंज नहीं होने देगी। अगर वो रेस्ट में है तो वो चाहेगी, मेरा इनर्शिया चाह रहा है कि मैं रेस्ट में रहूं, और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो वो चाहेगी कि मुझे यूनिफॉर्म मोशन से रोकने कोई ना आए। अपनी स्टेट को, अपनी हालत को चेंज नहीं करने देगी, अपनी जो उसकी स्टेट है वो चेंज नहीं करने देती। इसकी दो मिसालें देखे, एक्टिविटीज के एग्जाम्पल्स हैं वो देखे, देखते हैं। क्या कीजिए बेटे? एक गिलास लीजिए, गिलास के ऊपर एक हार्ड चार्ट, देखा आपने? पेपर बोर्ड या हार्ड चार्ट लें, यूज करते हैं ना अक्सर हम, हार्ड चार्ट लें और इसके ऊपर रख दीजिए। हार्ड चार्ट रखने के बाद क्या करें जी? उसके ऊपर एक कॉइन रख दें। इस हार्ड चार्ट के ऊपर बेटे ये गिलास है, पानी भरना है या नहीं भरना और कोई मसला नहीं, इसके ऊपर एक कॉइन रख दें। इस हार्ड चार्ट के ऊपर, हार्ड चार्ट किसके ऊपर पड़ा है? जैसे अक्सर पानी, जग में पानी पड़ा हो तो उसे कवर करते हैं ना, बिल्कुल ऐसे गिलास के ऊपर हार्ड चार्ट रख के सख्सा, और उसके ऊपर क्या रख दें? एक सिक्का। तेजी से यहां ऐसे करें, किसको? हार्ड चार्ट को उंगली से तेजी से फ्लिप करें। क्या होगा नतीजा? हार्ड चार्ट निकल जाएगा, जबकि सिक्का, कॉइन क्या करेगा? अपनी जगह पे रहेगा, हार्ड चार्ट यहीं से स्लिप कर जाएगा, निकल जाएगा तेजी से, कॉइन कहां गिर जाएगा? कॉइन साथ क्यों नहीं गया? कॉइन का इनर्शिया हमारी फोर्स से क्या था? ज्यादा। इसलिए कॉइन ने हिलना भी गवारा नहीं किया। कॉइन ने क्या, मैं अपनी जगह चेंज नहीं करूंगा।
क्या नतीजा निकला? हार्ड चार्ज नीचे से निकल गया, जबकि कायन कहाँ गिर गया? गिलास, गिलास में। ये एक मिसाल है इनर्शिया की, कि इनर्शिया जिस्मों से क्या चाहता है, कॉइन का अगर इनर्शिया थोड़ा होता तो किधर जाना था उसने? अगर मैं स्लोली मूव करवाता तो सिक्का किधर जाता? क्या हार्ड चार्ज के साथ ना जाता? अब हार्ड चार्ज नीचे से निकल गया है तो कॉइन के लिए खड़े होने की जगह नहीं, कहाँ गिर जाएगा? गिलास। ये है इनर्शिया की मिसाल। एक और मिसाल, हार्ड चार्ट लीजिए और उस हार्ड चार्ट का एक छोटा सा पीस लेके उसके ऊपर क्या करें आप, कॉइन्स का स्टेक, स्टेक कहते हैं बिल्डिंग, कॉइन 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 ऊपर रखते जाएं, जैसे ईंटों खड़ी करके विकेट्स नहीं बनाते हम लोग, इसी तरह से कॉइन्स रखते जाएं इसके ऊपर, कॉइन वन टू वन इस तरह से कॉइन रखते बिल्डिंग बना दें कॉइन्स, ठीक है जी। अब क्या करना है जी, तेजी से यहां से क्या करें, तेजी से इसे कहां, यहां से क्या करना है आपने, खींचना है, तेजी से फ्लिप करें, बड़ी तेजी से खींचे, क्या ये कॉइन की बिल्डिंग गिरेगी? बचा, हमने फोर्स तो लगाई है लेकिन हमारी फोर्स उसके इनर्शिया से, इन सारे कॉइन्स के इनर्शिया से, क्यों ये सारे कॉइन्स अपना मैस मिला के इकट्ठे हो गए हैं, इकट्ठे एक जगह आ गए हैं ना, तो इनका इनर्शिया क्या है, हमारी फोर्स से ज्यादा, इसलिए जब हम तेजी से फ्लिप करेंगे नीचे से निकालेंगे हार्ड चार्ट को तो इनर्शिया की वजह से वो कॉइन्स नहीं गिरेंगे, उनका इनर्शिया उनका मैस अब ज्यादा है, अब उनकी बात मानी जाएगी। सो क्या हुआ, इनर्शिया की वजह से वो अपनी जगह उन्होंने चेंज नहीं की। सो इस सिंपल लफ्जों में यहां से क्या रिजल्ट निकलता है कि जितनी ज्यादा जितना ज्यादा जिस्म का मैस करते जाएंगे उतना उसका इनर्शिया ज्यादा होता जाएगा, जितना मैस ज्यादा उतना इनर्शिया ज्यादा, बड़ा मैस होगा इनर्शिया ज्यादा होगा, छोटा मैस होगा इनर्शिया थोड़ा होगा, छोटा इसका इनर्शिया थोड़ा है, इसे आसानी से मूव भी करवाया जा सकता है रोका भी जा सकता है, लेकिन बड़ा मैस होगा उसे हरकत देना भी मुश्किल और रोकना भी मुश्किल, क्योंकि उसके पास क्या चीज ज्यादा है, इनर्शिया ज्यादा है। ये है इनर्शिया का कॉन्सेप्ट। लास्ट पे जी हमारा टॉपिक है तीसरा पॉइंट, दैट इज मोमेंटम। कभी गौर किया जी, गन जब फायर करते हैं गोली निकलती है उसमें से, गोली का मैस कितना सा है, बहुत थोड़ा सा, लेकिन कितना सा मैस है, बहुत थोड़ा सा, जितना थोड़ा मैस उतना थोड़ा इनर्शिया होता है, लेकिन जब वो हिट करती है क्या नुकसान नहीं पहुंचाती, कितनी डेंजरस हो है, चीर फाड़ देती है, बहुत ज़्यादा नुकसान, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, बहुत ज़्यादा असर होता है। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा ट्रक हो, मैस कितना है, बहुत ज़्यादा, इनर्शिया कितना है, बहुत ज़्यादा, अगर वो टकराए गोली की तो चलो गोली का मैस थोड़ा विलास्टी ज़्यादा लेकिन फिर भी खतरनाक है, दूसरी तरफ ट्रक का मैस ज़्यादा और क्या जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता से, अगर खुदा ना खास्ता उसके साथ किसी का एक्सीडेंट हो जाए नुकसान पहुंचेगा नहीं कि पहुंचेगा, तो ये क्या चीज़ है, एक छोटी चीज़ वो भी नुकसान ज़्यादा पहुंचा रही है, एक बड़ी चीज़ वो भी नुकसान पहुंचा रही है, इसको कैसे समझे हम? इसको समझने के लिए हमें टॉपिक पढ़ना पड़ेगा मोमेंटम। गोली छोटी सी विलास्टी बहुत ज़्यादा, ट्रक बड़ा सा विलास्टी बहुत थोड़ी, बुलेट है ना बेटे, बुलेट का बुलेट की विलास्टी मूव कर रही है, ये मूव कर रही है मोशन कर रही है, मैस कितना सा है, वेरी स्मॉल, विलास्टी क्या है जी, बहुत तेजी से नजर भी नहीं आती और कहीं कहाँ पहुंच जाती है, बहुत ज्यादा मैसिव विलास्टी है। दूसरी तरफ ट्रक है, मैस क्या है उसका, इसकी निस्बत गोली की निस्बत इसका मैस क्या है, ज्यादा, और गोली की निस्बत इसकी विलास्टी क्या है, इसकी विलास्टी कैपिटल, बहुत ज्यादा विलास्टी है इसकी, स्मॉल विलास्टी थोड़ी विलास्टी होगी, लेकिन दोनों ही खतरनाक है, ये भी जब टकराती है ये भी जब लगती है किसी को खुदा ना खास्ता तो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है ये भी, तो ये क्या चीज है, मैस थोड़ा विलास्टी ज्यादा, मैस ज्यादा विलास्टी थोड़ी, फिर भी डेंजरस है। इसको समझने के लिए हमें एक क्वांटिटी पढ़नी है जिसका नाम है मोमेंटम, इसका रिजल्ट इसके जवाब कौन देगा हमें, मोमेंटम क्या चीज है, मोमेंटम, मोमेंटम इज अ क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी जिस्म की मोशन की, मोशन की क्वांटिटी स्टडी करना, क्या मतलब, ये मैस है इसको अगर मैं हरकत दे दूंगा, मैस है आपके पास भी है, टेबल पड़ा है चेयर पड़ा दीवारें सारी चीजें, हाँ इन सबके पास क्या चीज है, क्या हम में से किसी के पास अभी विलास्टी है, आप में से किसी के पास विलास्टी है,
रेस्ट में है। इसका मतलब जब भी जिस्म रेस्ट में होते हैं, मैस तो है लेकिन वेलोसिटी नहीं है, मोमेंटम नहीं है। लेकिन अगर मैस रखने वाली चीज को, हर मैस रखने वाली चीज को वेलोसिटी भी दे दी जाए तो उसके पास क्या आ जाता है? ये मैस है, इसको मैं हरकत दे दूं तो उसके पास कौन सी क्वांटिटी आ जाएगी? मैस थोड़ा, वेलोसिटी ज्यादा, मैस ज्यादा, वेलोसिटी थोड़ी कम। सो कहने का मतलब ये है, मोमेंटम क्या चीज है? क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी जिस्म में ये जानना हो कि उसमें कितनी मोशन है तो हमें क्या जानना होता है? मोमेंटम। और वो मोशन कैसे जानी जाती है? कैसे जानी जाती है? जिस्म के मैस को किससे ज़र्ब कर दी जाती है? मैस ऑफ ऑब्जेक्ट को किससे ज़र्ब कर दो? मैस है एम, वेलोसिटी है वी। अगर आप मोशन जानना चाहते हो कितनी मोशन पैदा हो रही है, तो एक टर्म आएगी जिसका नाम है मोमेंटम। स्मॉल पी से इसे प्रेजेंट करते हैं, स्मॉल पी से, और ये किसके बराबर होगा? एम वी, मैस एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट। मैस को किससे ज़रब कर दो? वेलोसिटी के साथ, तो एक नई चीज़ आ जाएगी, उस चीज़ का नाम क्या होगा? और मोमेंटम से हमें चीज़ों की क्या मेजरमेंट मिलती है? मोशन। कितनी मोशन आ रही है, कितनी मोशन पैदा हो रही है, वो कैसे पता चलता है? मैस मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। अब बताइए, मोमेंटम स्केलर है या वैक्टर है? स्केलर है या वेक्टर है? मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों भला? मैस स्केलर और वेलोसिटी वेक्टर, तो मोमेंटम भी क्या होगा? वेक्टर। मैस स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है, तो मोमेंटम इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम एक वेक्टर मकदार है। अब इसका यूनिट, मोमेंटम का यूनिट क्या होता है? यहां से यूनिट बनाइए, यूनिट यहां से बनेगा तो क्या बनेगा बेटे? मैस का यूनिट के जी, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, तो के जी मीटर पर सेकंड। इसे न्यूटन सेकंड भी कहते हैं। वो कैसे? इसे न्यूटन सेकंड बनाना हो तो ये देखिए तरीका, क्या करूं? अगर बेटे मैं इसे ऐसे लिख दूं, ऐसे लिख सकता हूं, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? एक एस की प्लस वन, एस की माइनस वन, वन आ जाएगा काट के, फिर मुझे फायदा ये होगा, जरा देखो ये माइनस वन मिलकर कितने हो जाएंगे? के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और साथ ये प्लस वाला वैसे, ये क्या चीज़ है? पढ़ा नहीं था हमने? क्या चीज़ है ये? के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका यूनिट है? ये फोर्स के बराबर होता है, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और ये आ गया सेकंड। मोमेंटम का ये भी यूनिट है, मोमेंटम का ये भी यूनिट है, ये एम सी क्यू आता है। सो मोमेंटम इज अ क्वान्टिटी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन मैयर करनी है कितनी है, तो क्या मैयर कीजिए? उसका मोमेंटम मैयर कीजिए। तो आज एक और एक आध मिसाल से, मोमेंटम यहाँ देखना है, यहाँ देखना है, तो कैसे देखना है? किसी जिस्म का मैस फर्ज कीजिए 5 kg है, सॉरी ये तो 5 kg नहीं हो सकता, ये हो लगा लीजिए 0.5 kg, इसका ये भी इतना भी ज़्यादा नहीं हो सकता, आप 200 g ले लें। वेलोसिटी, वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकेंड। अगर मोमेंटम जानना है तो इनको आपस में क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ मोमेंटम निकालना है, ट्रक का मैस मल्टीप्लाई बाय ट्रक की वेलोसिटी, ट्रक का क्या आ जाएगा? मोमेंटम। यहाँ किसका मोमेंटम आएगा? बुलेट का। यहाँ किसका आएगा? ये बेटे ट्रक के लिए है, और ये किसके लिए है? बुलेट के लिए। इसका मतलब हम किसी भी जिस्म का मोमेंटम जान सकते हैं, उसका क्या क्या पता हो हमें? उसका मैस पता हो, और क्या पता हो? वेलोसिटी। दोनों को मल्टीप्लाई करना है, हमें क्या हासिल हो जाएगा? मोमेंटम। उसमें कितनी मोशन पैदा हो रही है, दैट इज मोमेंटम। सो बेटे आज के लिए इतना ही, हमने तीन चीज़ें स्टडी की, सबसे पहले डायनामिक्स की डेफिनेशन, फिर फोर्स, इनर्शिया, एंड देन हमने क्या स्टडी किया? मोमेंटम। ये था आज का हमारा टॉपिक। तो देख सकते हैं आप, ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। थैंक यू।